11th या 12th के बाद आखिरकार हम किस करियर में जाएं, या अगर बॉलीवुड में करियर बनाना हो तो क्या करें, यही सब बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे 10th के 12th के बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किया है कमेंट बॉक्स में, मेल पे, व्हाट्सएप पे टीम को किया है कि भाई अगर हम करियर बनाना चाहते हैं 10th और 12th के बाद तो आखिरकार किस में बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि हम कोई हायर स्टडीज़ में चले जाएँ, कभी कभी मन करता है कि जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है, सिंगिंग, एक्टिंग या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, हम उसमें जाएं, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसको दूर करें। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अच्छे से समझा तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और हम लाइफ में वही बनते हैं जो हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डिसीजन ना लेना भी एक बहुत ही ख़राब डिसीजन होता है, और डिसीजन लेना कि वो करना है जो आपके लिए सबसे बेहतर है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और सफल बनाता है। नंबर वन पॉइंट है कि आज का जो समय है वो अब डिग्री का समय नहीं, वो काबिलियत का समय है। 3 Idiots में कहा था ना आमिर खान ने कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत बढ़ाओ, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वो बिल्कुल सही है, एकदम सही बात कही है उस डायलॉग में। अगर आप इसको अच्छे से समझें, आज वही लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादा खुश हैं जिनके अंदर काबिलियत है, मतलब कि स्किल्स हैं, किसी भी एक स्किल में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है और उसकी वजह से ही वो ज़्यादा कमा रहे हैं। कई बार आप देखेंगे डिग्री सबके पास सेम होती है लेकिन अर्निंग सबकी अलग अलग होती है, क्यों? क्योंकि डिग्री एक नंबर्स में है लेकिन उनकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, जो पर्सनल पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से वो लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे असफल होंगे, वो बात तय होती है। तो अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, खासतौर से बॉलीवुड में मैं कहूँ तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। आप बोलते हैं मुझे एक्टिंग करनी है, बोलते हैं ऑडिशन दो। आप बोलते हो सिंगर बनना है, ऑडिशन दो, रियलिटी शो का ऑडिशन दो। आप बोलते हो मुझे फिल्म मेकर बनना है, ओके तो आप कॉन्सेप्ट बताइए, कहानी बताइए, या आपको एडिटर बनना है तो एडिटिंग करके दिखाइए। मतलब साफ है कि जो आपके अंदर स्किल है उस लेवल से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। मेरी डिग्री आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं देखी पिछले 25 साल के करियर में। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती, उसको भी कीजिए। लेकिन डिग्री सिर्फ करियर बनाने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। डिग्री आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, काबिलियत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो आप कोई सी भी डिग्री लेके आ जाइए, आपको यहाँ पर जगह ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके टैलेंट को देखा जाता है, कागज़ों की डिग्री को नहीं। पॉइंट नंबर टू है, किसी एक काबिलियत में, किसी एक स्किल में महारत हासिल करें। महारत मतलब एकदम जितना आप एक्सपर्ट बन सकते हैं उतना एक्सपर्ट बन जाएं किसी एक स्किल में। अगर आपने अपनी पूरी ताकत अपनी एक ताकत पर लगा दी, अपनी पूरी ताकत एक ताकत पर लगा दी, तो आप इतने ताकतवर बन जाएंगे कि काबिलियत आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कामयाबी अपने आप वाकई छक मार के आएगी। मतलब साफ है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग के बारे में इतना सीख लीजिए, इतने प्रिपेयर हो जाइए कि आपको कोई रोक ना पाए। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इरफान खान, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, उन्होंने क्या करा, एक ही स्किल पर मेहनत की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा मैं कॉमर्स कर लूँ, थोड़ा सा मैं ये कर लूँ, थोड़ा सा मैं वो कर लूँ। आप सोच के देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। मैं अगेन पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो गलत मत लीजिएगा, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो सचिन तेंदुलकर जब सप्लीमेंट्री आई या फेल हो गए थे वो 8th क्लास में, उन्होंने उस बात पे ध्यान ना देते हुए अपने क्रिकेट मतलब एक ताकत पे पूरी ताकत पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। लता मंगेशकर ने ये नहीं सोचा कि मैं गाना गाने के साथ साथ ऐसा करती हूँ कि PhD भी कर लेती हूँ, एक डिग्री भी कर लेती हूँ, तो क्या हो जाता, वो जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाती। उन्होंने गाने में ही पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की और वो सरस्वती बोला जाता है उनको, गानों की देवी बोला जाता है उनको, इतनी बड़ी गायक बन गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ चुन रहे हैं एक चुनिए
और उसमें फिर पूरा जीवन लगा दीजिए, देखिए फिर आपको कामयाबी कैसे मिलती है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी बॉलीवुड प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपको सारे पुराने लोगों की सफलता यही बताएगी कि अपनी पूरी जान उस एक चीज़ में लगा दीजिए। बार बार भटकिए नहीं, बार बार डरिए नहीं, सेल्फ जजमेंट मत कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए, दूसरों की बात से डिस्करेज ना हो, बस एक ही जगह पर लग के आप काम करते जाएं। जैसे माजी फिल्म में था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, और वाकई वो सच है। आप भी एक ही स्किल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फिर देखिए कामयाबी कैसे मिलती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा फिल्मी कलाकार हों या कोई भी कलाकार हों, भले ही सफलता असफलता लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना भले ही सफलता असफलता लोग मटेरियल वर्ल्ड में अलग तरीके से नापते हों कि भाई कितना पैसा है, कितने बंगले हैं, फ्लैट्स हैं, गाड़ी हैं, लेकिन आप कलाकार लोगों में एक बात कॉमन देखेंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी में काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना शौक जी रहे हैं, अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं, और हॉबी ही प्रोफेशन बन गया है। और जब हॉबी प्रोफेशन बन जाता है तो फिर होता क्या है, डेली उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि अब आप काम बोझ समझ के नहीं कर रहे, आप काम के मज़े ले रहे हैं, आप काम को एक खेल की तरह खेल रहे हैं, तो डेली आपकी स्किल जो है वो बढ़ने लग जाती है। जब डेली स्किल्स बढ़ती हैं तो आपकी सफलता और ऊपर चले जाती है। इसलिए आप देखेंगे दिन प्रतिदिन हर कलाकार में उसकी काबिलियत में इजाफा होता है। वो इसलिए होता है कि वो हर चीज़ को मन से कर रहा है, हर नएपन को अपना रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना है। अभी सोचिए, आज ही सोचिए क्या है आपकी हॉबी, और अगर वो हॉबी आपकी प्रोफेशन बन जाए तो लाइफ में क्या कभी काम करना पड़ेगा, कभी कोई टेंशन होगा, कभी कोई स्ट्रेस होगा? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ऐसे जीवन जिएंगे जैसे कि मज़ा आ गया। और सिंपल सी बात है यार, लाइफ को लाइवली जीना ही तो जीना है, और लाइवली तभी जिएंगे जब अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, एक जापानी तकनीक है इकागाई, इसके बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था। ऊपर के जो तीनों पॉइंट मैंने बताए आपको कि आज काबिलियत चलती है, डिग्री नहीं चलती, दूसरी बात है एक स्किल में महारत हासिल कीजिए, तीसरी बात अपने हॉबी को प्रोफेशन बना लीजिए, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर डर जाते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इकागाई एक ऐसी तकनीक है जो आपको मेंटली बिल्कुल क्लियर कर देगी साइंटिफिकली तरीके से। उसमें क्या कहा गया है कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं क्या वो आपको पसंद है, जो लाइफ में आप पूरी जिंदगी करना चाहते हैं क्या वो आपको पसंद है, मतलब एक्टिंग वाकई आपको पसंद है, सिंगिंग वाकई आपको पसंद है, फिल्में बनाना आपको पसंद है, एडिटिंग आपको पसंद है, क्या वाकई आपको पसंद है या किसी को देख के बन रहे हैं? अगर पसंद है तो पॉइंट नंबर वन आपका क्लियर हो जाता है, उसको चेकलिस्ट में ले लीजिए। पॉइंट नंबर टू है, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत है? क्या जो आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है, दुनिया को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है? अब ये समझिए कि अगर आप एक्टर बनते हैं तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंगर बनते हैं तो लोगों को अच्छे अच्छे गाने चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप फिल्म मेकर बनते हैं तो क्या लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में देखनी है नहीं देखनी? यहाँ पर चेकलिस्ट देखिए, चाहिए लोगों को, हमेशा उनको नया गाना चाहिए, नया एक्टर चाहिए, नई फिल्में चाहिए, नई तकनीक चाहिए एडिटिंग में, पहले नॉर्मल एडिटिंग होती थी, फिर अब VFX आ गया और अब कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो एक नयापन आ गया, लोगों को ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, क्या दुनिया उसके लिए पेमेंट करने को तैयार है? क्योंकि सर्वाइवल तो तभी होगा ना जब कोई उसके लिए पे करेगा, पे करेगा तो आपके खर्चे चलेंगे, आपके बिल्स पूरे होंगे, क्या दुनिया उसके लिए पे करने को तैयार है? तो अगर आप एक्टर बनते हैं जो आपको पसंद है, दुनिया को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, क्या उस एक्टर को लोग पेमेंट करेंगे? आप खुद सोचिए कि एक्टर को पेमेंट होता है नहीं होता, सिंगर को पेमेंट होता है नहीं होता, फिल्म मेकर को पेमेंट होता है नहीं होता है, एडिटर को पेमेंट होता है नहीं होता है? होता है। तो ये तीनों टेस्ट पास कर देते हैं आप अगर आप ऊपर के तीन पॉइंट को अप्लाई करते हैं। तो ये था कि अगर इकागाई के हिसाब से भी देखें, साइंटिफिक प्रूवन स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से भी आप अपनी एक प्रोफेशन को चुन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि इसको एक ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह शुरू करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली होता ही है कि अगर हमें इस फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, एडिटर बनना है, तो हम सोचते हैं एकदम से बड़ा कि मैं एकदम से टॉप का कैसे बनूं, और उसी वजह से आपको डर लगता है, डाउट होता है, उसी वजह से आपकी फैमिली को भी डर लगता है। इसको ना एक पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मैंने बोला ना खासतौर से वीडियो किन के लिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, टेंथ में है, ट्वेल्थ में है या कॉलेज में, इसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह लेंगे तो क्या होगा,
प्रेशर नहीं रहेगा। आप इसको शौक की तरह लीजिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह, और एक कदम रोज आगे बढ़िए। एक कदम से मतलब है बेबी स्टेप्स लीजिए कि ठीक है, अगर मुझे एक्टिंग पसंद है तो डेली एक्टिंग को लेकर मैं कुछ रीडिंग करूँगा, फिर मैं कुछ मोनोलॉग्स प्रिपेयर करूँगा। जॉइन फिल्म्स ऐप पर बहुत सारे मोनोलॉग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो डाउनलोड कीजिएगा जॉइन फिल्म्स ऐप को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसके बाद यूट्यूब के वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये भी एक स्टेप ही है कि मैं डेली अपने स्किल से रिलेटेड जो भी वीडियो अवेलेबल हैं उनको डेली देखूंगा और नोटबुक में उसको नोट करूंगा कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज 3000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर, जो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रगल को जीरो कर देंगे अगर आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, जान लिया। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपसे कभी भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटें जो आपके करियर में, आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करते हैं। सिक्स पॉइंट है, इनर वॉइस को पहचानिए, अपने मन की आवाज सुनिए। यह बहुत जरूरी होता है। होता यह है कि हमारे आसपास के लोग एक खास तरह की डिग्री के पीछे भाग रहे होते हैं, या जो ट्रेंडिंग में डिग्री होती है उसके पीछे भागते हैं। जैसे एक ज़माने में था कि सभी को डॉक्टर बनना था, फिर एक ज़माना आया सबको इंजीनियर बनना था, फिर आया कि सबको MBA करना है, तो इस तरह की अभी आ गया कि IT करना है सबको। तो इस तरह की भीड़ के भीड़ चाल में ना चले, आप इनर वॉइस को सुनिए, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, ये जिंदगी किसकी है, आपकी, तो इसका फैसला कौन लेगा, आप लेंगे। आपको तय करना है कि मुझे क्या बनना है। देखिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने BCom किया, फिर MCom किया, लेकिन मैंने अपनी इनर वॉइस को सुना कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना है। हालांकि हालात बहुत अनुकूल नहीं थे, भोपाल जैसे शहर में जहाँ मीडिया डेवलप नहीं था, उसके बाद भी मैंने भोपाल शहर से ही शुरुआत की, क्योंकि मैंने अपनी मन की आवाज़ को पहचाना कि मुझे मीडिया फील्ड में ही जाना है। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 1993 की। 1993 में भोपाल से शुरू किया और उसके बाद 2001 में मुंबई आया। तो अगर मैंने अपने मन की बात मानी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन एट लास्ट मैंने क्या करा, इकागाई के हिसाब से भी अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो आज मुझे कभी भी लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को तो ये लगता है कि मैं खेल खेल रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, और उसमें ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, आराम से चल रही है। तो आपको भी यही करना है, इनर वॉइस को सुनना है। हम ज़्यादातर दूसरों की सुनते हैं लेकिन अपनी इनर वॉइस को फॉलो नहीं करते। आप इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, दूसरों की सुनेंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, ये गारंटेड है। क्योंकि आप जो भी कर रहे होंगे पूरे दिन भर में, एक जो जॉब होता है, एक जो प्रोफेशन होता है, उसमें आप 8 से 12 घंटे देते हैं। अगर 12 घंटे आप वो काम कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं, तो फिर आप क्या चाहते हैं वो कभी आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनिए। मैंने जैसा बताया, एक एक स्टेप लेना शुरू कीजिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए और अपनी इनर वॉइस को पहचानिए। 7th पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं लाइफ में? आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ का कारण? भीड़ का हिस्सा मतलब ये हुआ कि सब ये कर रहे हैं, मैं भी यही कर लेता हूं, तो आपने क्या करा, एक भीड़ के झुंड को ज्वाइन कर लिया जिंदगी भर के लिए। लेकिन भीड़ का कारण बनना चाहते हैं कि आप एक ऐसे सिंगर बनना चाहते हैं, ऐसे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, ऐसे एक्टर बनना चाहते हैं कि लोग देखें तो आपके लिए रुक जाएं। जैसे आज अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भीड़ लगती है, शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ लगती है, कि भीड़ उनकी वजह से, उनके कारण लगती है। अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं उस पर काम आज से करना शुरू करना पड़ेगा। लोग कहते ज़रूर हैं कि देखिए उस व्यक्ति को रातों रात सफलता मिल गई, लेकिन उसके लिए उसने बहुत दिन रात को एक किया है, बहुत मेहनत किए। लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन एक्चुअली कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, वो प्रोसेस है, वो सिस्टम है, वो टाइम लेता है। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो फिर कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसी भीड़ चाल चल रही है, जैसे आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, ऐसा करते जाइए, आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन भीड़ का कारण बनना चाहते हैं तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए, काबिलियत पर ध्यान दीजिए, एक स्किल को स्ट्रांग कीजिए, आप देखें कि कैसे आपके पीछे भीड़ लगती है। आप हर जगह पे अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो आज के वीडियो से ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए, इसमें आप क्या करने वाले हैं, ये आपका टास्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन 7 रूल्स को, 7 रूल्स ऑफ सक्सेस को आप किस तरह से लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर वाकई आप भीड़ का कारण बनना चाहते हैं तो ये होमवर्क, ये टास्क आप जरूर कंप्लीट करेंगे। मुझे मालूम है, यकीन है मुझे,
कि सिर्फ 5% लोग ही करेंगे, बाकी लोग बोलेंगे इससे होता क्या है। लेकिन जब आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना, तो एक तरह से आप ऐलान कर रहे हैं, एक तरह से आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। और फिर जब टाइप करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि एनर्जी फ्लो होगी, आपको खुद को लगेगा हाँ यार ये मैं कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप 5% के सक्सेसफुल रेशियो में आना चाहते हैं, तो कमेंट करके ये 7 पॉइंट्स आपने क्या सीखा, लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे सीखें, कैसे जानें, तो उसके लिए जॉइंट फर्म्स के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जिसमें कि आपको बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सिखाते हैं, लाइव ऑडिशन दे देते हैं आप, इसी तरह से सिंगिंग में भी है, एडिटिंग में भी है, फिल्म मेकिंग में भी है। उसके लिए जो स्क्रीन पर ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लें, गाइडेंस ले लें। क्योंकि जॉइंट फर्म्स की सपोर्ट टीम आपकी काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अवेलेबल है। आप जब चाहें उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। क्या होता है, जब आप एक्सपर्ट से पूछते हैं, आप जानकार से पूछते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो वो आपको गाइड करना तो चाहते हैं, लेकिन गलती से मिसगाइड कर देते हैं, और आपका डर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं, डाउट और बढ़ जाते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके आसपास के लोग भी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो। किसी एक को भीड़ से निकाल लीजिए, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि इसी पर्पज से तो ये वीडियो बनाया था। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I can...